इस खिलौने में जब आप पंखे के ऊपर फूंकते हैं तो पेन खड़ा रहता है और तेजी से घूमता है। पेन गिरता क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए चलिए इस मॉडल को बनाते हैं। इसके लिए आपको एक बेस चाहिए, तीन लकड़ी की रॉड्स चाहिए, कुछ बॉटल कैप्स और चार रिंग मैग्नेट चाहिए। अब ये लकड़ी का एक बेस लीजिए और इसमें तीन छेद बनाइए और बीच में एक डेंट। फिर तीन ये बोतल के ढक्कनों को आप नीचे की ओर चिपका दीजिए। इससे एक बहुत सुंदर एक स्टैंड बन जाएगा। ये हमको तीन छेद दिखाई दे रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में बीच में डेंट है। फिर तीन एक समान लकड़ी की रॉड्स लेते हैं और उनको लकड़ी के स्क्रू से इस आधार में फिट कर देते हैं। अब तीनों रॉड्स बिल्कुल लंबवत खड़ी हैं। फिर चार रिंग मैग्नेट लेते हैं। अब ऐसे उनको सजाते हैं कि बीच वाला मैग्नेट बाकी तीनों को विकर्षित करें यानी धक्का दे। अब बीच वाले चुंबक को हम पेन के पिछले हिस्से में कस के फिट कर देते हैं और फिर जो वुडन रॉड्स हैं, लकड़ी की रॉड्स हैं, उनके ऊपरी सिरों के ऊपर हम रबर का गोंद फेविबॉन्ड लगाते हैं और तीनों रिंग मैग्नेट्स को उसी ओरिएंटेशन में चिपका देते हैं। सूखने के बाद जैसे ही आप पेन और चुंबक को खड़ा करेंगे, देखिए तो पेन गिरेगा नहीं क्योंकि बाकी तीनों चुंबक उसको विकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बीच में रख रहे हैं। अब आप पेन के पिछले हिस्से में एक प्लास्टिक का रेडीमेड प्रोपेलर फिट कर दीजिए और अब प्रोपेलर, पेन और चुंबक की इस असेंबली को आप तीनों चुंबकों के बीच में रख दीजिए। अब जैसे ही आप फूकेंगे तो देखिए पेन पंखा घूमेगा और उसके साथ में पेन फर फर घूमेगा। पेन की नोक डेंट के अंदर धंसी होगी क्योंकि भारी तीनों चुंबक बीच वाले चुंबक को विकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इसलिए वो एक पैर पे खड़ा रहता है। अगर आप एक सीलिंग फैन के नीचे इस खिलौने को रखेंगे तो ये खिलौना हमेशा हमेशा घूमता रहेगा। ये बहुत ही विलक्षण मजेदार खिलौना है। और अगर आप पंखे के ऊपर फूकेंगे तो देखिए पेन, चुंबक और पंखा तीनों घूमते रहेंगे और एक पांव पे पेन खड़ा रहेगा और गिरेगा नहीं।